कभी प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद का सिक्का चलता था, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए। योगी सरकार ने बाहुबली अतीक अहमद के पूरे परिवार के अधिकतर लोगों को अपराधी घोषित कर दिया है। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पहले से जेल में बंद हैं। सीबीआई पिछले 3 सालों से अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर की तलाश कर रही है। सीबीआई ने उमर की गिरफ्तारी पर 2 लाख का इनाम रखा है। वहीं अतीक अहमद के छोटे बेटे मोहम्मद अली पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रख दिया है। अली की तलाश में क्राइम ब्रांच के अलावा एसटीएफ को भी लगा दिया गया है। बाहुबली अतीक अहमद के बारे में बताया जाता है कि एक समय ऐसा था जब पुलिस नेता और जज तक उससे खौफ खाते थे। अतीक अहमद इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अतीक भले ही नेता बन गया था, लेकिन वो कभी माफिया वाली अपनी छवि से बाहर नहीं आ पाया। सियासत की आड़ में अतीक अपना आपराधिक साम्राज्य और मजबूत करता रहा। यही वजह है कि उसके ऊपर दर्ज अधिकतर मुकदमे विधायक सांसद रहते हुए दर्ज हुए हैं। लोग कहते हैं कि वो अपने विरोधियों को हर हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। जो भी अतीक के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश करता वह मारा जाता। समय का चक्र बदला और आज अतीक अहमद का आर्थिक और आपराधिक साम्राज्य लगातार ध्वस्त हो रहा है।